हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल नीहू फूड टेक। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं बैठी हूँ ऑटो में और आज मैं एक्सप्लोर करने जा रही हूँ प्रधानमंत्री संग्रहालय, जो कि अभी न्यूली ही बना। आई थिंक 2 मंथ्स ही हुए इसे बने हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए इसको और आपको भी दिखाया जाए। तो आई टुक अ ऑटो फ्रॉम सरोजनी नगर मार्केट, मुझे कुछ काम था वहाँ तो आई वेंट देयर। तो वहाँ से ऑटो किया मैंने फ्रॉम सरोजनी नगर मार्केट टू प्रधानमंत्री संग्रहालय। तो 50 रुपीज़ पर पर्सन ऑटो वाला भैया चार्ज, एंड द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन टू दिस प्रधानमंत्री संग्रहालय इज़ उद्योग भवन। तो फ्रॉम उद्योग भवन टू प्रधानमंत्री संग्रहालय 25 रुपीज़ पर पर्सन ऑटो वाला भैया यूज टू चार्ज। 3 मूर्ति मार्ग पर ही पड़ता है ये प्रधानमंत्री संग्रहालय, और इसकी टिकट्स आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके टिकट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। तो हेयर वी गो, हम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय। भी बोर्ड आप देख ही सकते हो। तो ऑनलाइन टिकट्स हमने कर ली थी, बाकी अगर ऑनलाइन नहीं है तो ऑफलाइन भी टिकट्स आपको यहाँ मिल जाएंगी टिकट काउंटर पे जाके। तो बाहर का व्यू इस तरीके का था, देख सकते हैं आप, इतना नीट एंड क्लीन, पूरी तरफ ग्रीनरी थी और सिक्योरिटी कितनी टाइट थी यहाँ बाहर। तो हम आ गए हैं अंदर। अगर आपने ऑनलाइन टिकट्स ली हैं तो पहले टिकट्स बाहर स्कैन होती हैं, उसके बाद ही आपकी एंट्री होती है। चलो चलते हैं अंदर, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, चलते हैं अंदर। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और बहुत ज़्यादा धूप थी, तो मैंने अपना मास्क उतार दिया था, पसीना देख ही सकते हो। तो बाहर का व्यू कुछ इस तरीके का था, एंट्री यहाँ से होती है और लेफ्ट हैंड साइड पे होता है टिकट काउंटर, आप उधर जाके टिकट्स ले सकते हो। तो आप देख सकते हो चारों ओर ग्रीनरी, और ये फ्लावर्स तो मुझे इतने प्यारे लग रहे थे, मैंने 4-5 फ़ोटोज़ इन फ्लावर्स के साथ क्लिक करवा ली। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और आपको भी दिखाते हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय। तो आप बाहर से देख सकते हो कैसा लग रहा है। टिकट्स ऑनलाइन हमने पहले से ही ले रखे थे, तो हम टिकट्स लेने नहीं गए और हमें पता नहीं था, हमारे पास बैग्स थे। अगर आपने कुछ भी कैरी कर रखा है तो पहले आपको वो टिकट काउंटर पे ही जाके वो सब सबमिट करना पड़ता है लॉकर में, देन उसके बाद ही आपकी एंट्री होती है। तो हमको ये नहीं पता था, सो बैग को हम अपने साथ लेके आ गए थे। हमें पता नहीं था कि बैग्स को पहले लॉकर में रखना होता है, देन उसके बाद ही एंट्री होती है। तो आप देख सकते हो सामने का कुछ नज़ारा इस तरीके का था, पूरी तरफ ग्रीनरी थी। और ये यहाँ पे ऑडियो सिस्टम गाइड जो हमें मिलता है वो यहाँ पे आके रिटर्न करना होता है। तो सो टिकट काउंटर पे हमें वापस आना पड़ा अपने बैग्स को लॉकर में रखने के लिए। और आप अपना आधार कार्ड भी अगर आपके बैग्स में है तो वो भी निकाल लीजिए, क्योंकि ऑडियो सिस्टम जो है वो आधार कार्ड आप देंगे तभी आपको मिलेगा, ये भी हमें नहीं पता था। तो हमें अगेन वापस टिकट काउंटर पे जाना पड़ा था अपना आधार कार्ड लाने। तो एक आधार कार्ड पर आप कितने भी ऑडियो सिस्टम्स ले सकते हो। तो ये लेआउट है प्रधानमंत्री संग्रहालय का, हमने एंट्री कर ली है फाइनली। प्राइस ऑफ द टिकट इज़ 90 रुपीज़ पर पर्सन और ये ऑडियो गाइड आपको फ्री में मिलता है, आपको बस अपना आधार कार्ड सबमिट करना होता है, देन उसके बाद आप ले सकते हैं ये ऑडियो गाइड सिस्टम। तो हमने एंट्री कर ली है, एंट्री करते ही आपको सामने का व्यू कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ से हमने एंट्री करी थी, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। तो यहाँ से एंट्री होती है टुवर्ड्स द म्यूज़ियम, तो हम जा रहे हैं अभी म्यूज़ियम की तरफ। अगर आप लोग टिकट्स ले लें, अगर आपको अपने फेवरेट प्राइम मिनिस्टर से उनके हैंड रिटन लेटर लेना है या फिर उनके साथ सेल्फी क्लिक करवानी है, तो आपके टिकट्स में ऐड ऑन होती हैं ये सारी चीज़ें, चार्जेबल होती हैं। सो आप अपने टिकट्स में ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करवा लीजिए अगर आप लोग ये सब करना चाहते हैं तो। हालांकि अंदर भी आपको टिकट्स मिल जाते हैं, बट वो 5 o'clock तक ही मिलते हैं, 5 o'clock के बाद नहीं मिलते हैं टिकट, क्योंकि 6 बजे ये म्यूज़ियम बंद हो जाता है। तो अभी मूविंग टूवर्ड्स द म्यूज़ियम, तो ये म्यूज़ियम हम पहुंचने वाले हैं और ये एंट्री गेट है म्यूज़ियम का। तो चलते हैं अब अंदर म्यूज़ियम के। तो म्यूज़ियम के अंदर एंट्री करते ही आपको ऐसा व्यू दिखाई देगा, कितना सा प्यारा सा ये क्लिप चल रही है यहाँ पे। और ये है यहाँ पे अशोका चक्र, ये बहुत ही एक यूनिक सी टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ करी थी, ये अशोका चक्र घूम रहा था जबकि नीचे ये लगा नहीं था। आई डोंट नो हाउ, चुम्बक से कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट था जो ऐसे अपने आप से घूम रहा था। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये देख के। और ये देख सकते हो आप स्क्रीन पे ऐसी क्लिप चली थी। तो अभी अंदर चलते हैं हम रूम के। सो रूम के अंदर आते ही हमारा ऑडियो सिस्टम गाइडर ऑन हो गया था और हमारी फ़ोन की स्क्रीन्स पर
सब कुछ शो हो रहा था, पूरा आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या हिस्ट्री थी इससे रिलेटेड सब कुछ। ऑडियो सिस्टम गाइडर में सेंसर लगे होते हैं, तो हम जैसे भी जिस भी रूम में जाते हैं वहाँ की हिस्ट्री पूरी हमारे फ़ोन पे, फ़ोन की स्क्रीन पर शो होने लगती है। ये लाइटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, अंदर एंट्री करते ही ये लाइटिंग पड़ती है जो तिरंगा कलर की है, बहुत ही प्यारे तरीके से ये ऊपर नीचे हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा। इनसाइड द म्यूज़ियम वॉशरूम एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी इज़ ऑल्सो अवेलेबल, सो देख सकते हो आप यहाँ पे जस्ट एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड पे ये पड़ता है, ऊपर आप देख सकते हो वॉशरूम का। तो अभी वी आर मूविंग टूवर्ड्स द अनदर रूम विच इज़ द फ्रीडम एंड यूनिटी रूम। सो रूम के अंदर एंट्री करते ही हमारा गाइडर ऑन हो जाता है और सारी इन्फॉर्मेशन हमारे फ़ोन की स्क्रीन पे होती हैं। जितने भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक बने हैं उन्होंने फ्रीडम में क्या, हमारी कंट्री के फ्रीडम में क्या योगदान दिया है, तो वो सारा कुछ सब बताते हैं यहाँ पर। और स्क्रीन पर भी हमें वही शब्द शो होता है, आप वहाँ से पढ़ भी सकते हो। तो आप ये देख सकते हो इनसाइड द रूम कैसे था, क्या व्यू था। आप यहाँ आराम से बैठ कर भी ये सारी इन्फॉर्मेशन सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ही इज़ माई फ्रेंड ऋषभ एंड इसको पता भी नहीं था कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। ही इज़ जस्ट फोकसिंग वेरी मच ऑन द इंफॉर्मेशन विच इज़ रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्क्रीन। बहुत ध्यान से ये सुन रहा था। और देख सकते हो अब हम चल रहे हैं अब दूसरे रूम की तरफ, तो गाइडर ऑन हो गया था। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज़ अ टाइम जोन रूम जो भारत और अमेरिका के मध्य 8 अगस्त 1963 को हुए द्विपक्षीय परमाणु सहयोग समझौते का एक अंग था जो 30 वर्षों के लिए हुआ था। तो यहाँ पे बता रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हमारी कंट्री के लिए क्या क्या किया कि छठी परमाणु शक्ति बना दिया। 11 मई 1998 को भारत ने 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण करके सफलतापूर्वक अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस समय बार्क BARC के निदेशक थे परमाणु भौतिकी विज्ञानी डॉक्टर अनिल काकोडकर तथा अध्यक्ष थे डॉक्टर आर चिदंबरम। तो अभी हम रूम से बाहर आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं आगे एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ पे ये चेयर्स थी प्रधानमंत्री की जो अदर मिनिस्टर के साथ यहाँ पे बैठे मीटिंग करते हैं, क्योंकि क्यों लगी थी यहाँ पे सेल्फी लेने के लिए विद योर फेवरेट प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे गेम भी आप खेल सकते हो आराम से, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला गेम था। तो यहाँ पे और भी बहुत अच्छे नॉलेजेबल गेम्स थे अंदर जो आप खेल सकते हो। तो हियर माय फ्रेंड इज गोइंग टू स्टार्ट। इंदिरा गांधी पे क्लिक करो, चलो लाल बहादुर शास्त्री पे कर लो, कम ऑन डू इट। तो यहाँ पे बैठ के आप छोटे बच्चे ड्राइंग भी कर सकते हैं, हाउ मच दे लव देयर कंट्री उसकी एक ड्राइंग भी बना सकते हैं यहाँ पे। और ये अंदर यहाँ पे है लेटर फ्रॉम योर फेवरेट प्राइम मिनिस्टर, ले सकते हो आप, यहीं पे मिलता है जो एड ऑन होते हैं आपके टिकट्स में, जस्ट 20 रुपीज़ पर लेटर। सो ये थी फीडबैक वॉल, जस्ट इसके बगल में थी, यहाँ पे आप अपना फीडबैक खुद रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ऐसे आपको फीडबैक वॉल पे जाना है, यहाँ पे अपना नेम लिखना है जो भी आपका नेम है। माई फ्रेंड इज़ गिविंग हिज फीडबैक, सो ही इज़ राइटिंग हिज नेम। यहाँ पे अपनी फ़ोटो ऐड करनी होती है यहाँ पे, और आप क्लिक कर दीजिए यहाँ पे, तो आप सबमिट एरो पे क्लिक करिए तो सबमिट हो जाती है। यहाँ पे आपको अपना फीडबैक रखना होता है, जो भी आपका फीडबैक है यहाँ पे आप लिख सकते हो। ही इज़ राइटिंग रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस, देन उसके बाद आपको इस एरो पे क्लिक करना होता है, देन सबमिट करना होता है आपको, और उसके बाद आपका ये फीडबैक यहाँ वॉल पे स्क्रीन पर शो होने लगता है। सो आई एम ऑल्सो डूइंग, सो मैंने भी फीडबैक दिया, मैं अपना नेम लिखना भूल गई थी तो जस्ट डायरेक्टली मैंने फ़ोटो से ही स्टार्ट कर दिया था, फ़ोटो ऐड ऑन करके। और मैंने भी अपना रिव्यू दिया यहाँ पे, तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इनसाइड द म्यूज़ियम कि आपको किसी की हेल्प की नीड नहीं है, आप खुद ही अपना फीडबैक रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आई लाइक दिस थिंग वेरी मच। सो ऐसे ही बहुत ही ईजिली आप भी अपना फीडबैक रिकॉर्ड कर सकते हो इनसाइड द म्यूज़ियम। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो चार्जेबल थी और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अनचार्जेबल थी, तो आप दोनों चीज़ को इंजॉय कर सकते हो। मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये चीज़, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। सो ये रहा मेरा फीडबैक एट द टॉप और ये हूँ मैं। तो अभी हम चले गए थे फर्स्ट फ्लोर पर, तो फर्स्ट फ्लोर पर एक्सीलेटर से उतरते ही आपको ये मिलेगी लाल बहादुर शास्त्री जी की फ़ोटो। ये कुछ वॉल हैंगिंग टाइप था
और जब आप उसको पास से अच्छे से देखते हो तो आपको दिखेगा कि ये लाल बहादुर शास्त्री जी का फ़ोटो बिल्कुल बन के आ रही थी यहाँ पे। तो ये कुछ हैंड रिटन लेटर्स थे यहाँ पे बाय द प्राइम मिनिस्टर्स, देख सकते हो आप, रिगार्डिंग सम अदर अदर थिंग, रिगार्डिंग राइजिंग फूड प्राइसेस एंड रिगार्डिंग सम अदर थिंग। तो ये वाइट रिवॉल्यूशन था जो कि स्टार्ट किया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो अभी म्यूज़ियम पूरा एक्सप्लोर कर लिया है और अब हम म्यूज़ियम के बाहर आ गए हैं और अब जा रहे थे ऊपर एक्सप्लोर करने की ऊपर क्या था कुछ है ऊपर। अब ये नज़ारा है, सो ऊपर का व्यू कुछ इस तरीके से था, ऊपर कुछ था नहीं हालांकि, बस ग्रीनरी थी चारों ओर और कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ऊपर का व्यू आपको एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है। बहुत सारे मोर हैं, अरे वो भी मोर है, वो यहाँ तो बैठे हैं मोर यार, वो मोर बैठा है। थक गए बहुत ज़्यादा, चलिए चलते हैं कुछ खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो चलिए चलते हैं अब कैफ़े जो कि नीचे ही था आप देख सकते हो, तो ये रहा कैफ़े और चलते हैं अब कैफ़े के अंदर और कुछ खा लेते हैं, बहुत तेज़ भूख लग रही थी। हालांकि कैफ़े भी पूरा फुली एसी था और म्यूज़ियम भी पूरा फुल्ली एसी था। 2 महीने हुए से अभी ओपन हुए तो हालांकि कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था कैफ़े के अंदर, पर इंटीरियर बहुत ही अच्छा था कैफ़े का और फुल्ली एसी था। तो कुछ खा लेते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो अब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं था तो चलते हैं अब बाहर। तो हम यहाँ बाहर आ गए हैं और बाहर भी मुझे प्यारा सा मोर दिखाई दिया, प्यारा लग रहा है यार। ऑडियो रिकॉर्ड सिस्टम्स हमने वहाँ बाहर सबमिट कर दिए थे जहाँ मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ सबमिट करते हैं। सरकारी चीज़ है ना। अच्छा, वो भी चाहिए मुझे, बंद हो जाता है, बंद हो गया रेड फोर्ट ये भी बंद हो गया सब। सो हमने अपने बैग्स टिकट काउंटर से ले लिए थे, लॉकर से निकाल लिया था। सो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, आधार कार्ड अपने साथ लाने की और अपने बैग्स को लॉकर में रखने की, बैग्स अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। तो ये रहा आज का हमारा विजिट, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।